बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय। ये मेरा सौभाग्य है कि कोरोना महामारी के संकट से उबरने, माननीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय प्रहलाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के पक्ष में बोलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से 17वीं लोकसभा अनेक इतिहास गढ़े हैं और हम सब उसके साक्षी बने हैं। माननीय सभापति महोदय, कार्य प्रणाली की बात करें, चाहे अनेक विधेयक पास होने की दिशा में हो, 17वीं लोकसभा ने अनेक ऊंचाइयां तय की है और आज तक के लोकसभा के कार्यकाल का यह पहला लोकसभा कार्यकाल चल रहा है जो एक साल में अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की है। उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और निरंतर हम बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना महामारी का संकट आया और इस संकट के साथ साथ बहुत सारी अन्य चुनौतियां भी आई, चाहे वो चीन की बुरी नजर हो, चाहे अनेक प्रदेशों में बाढ़ के भी विभीषिका आई, और इन सब चुनौतियों को निरंतर सभी सांसदों की एकजुटता की बदौलत और भारतवर्ष की जनता की बदौलत उसको हम लोग उस चुनौती को, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में बदलना चाहिए, और उसको हम सब ने मिलकर अवसर के रूप में बदला है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से एक बार फिर से इतिहास गढ़ने का इस अवसर प्राप्त हम सबको हुआ है। जब से कोरोना महामारी आई उस समय स्थगित कर दिया गया लोकसभा, यह आवश्यक भी था और सभी माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो पीड़ित लोग थे, जो प्रभावित लोग थे, उनकी सेवा में लग गए और उनके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं और व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा में लग गए। ज्यादा प्रभावित लोगों को कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए, ऐसे अनेक परिवार थे माननीय सभापति महोदय, जो रोज कमाने खाने वाले लोग, जिनके घर में चूल्हे जलने बंद हो गए, उनकी भी सुध माननीय सांसदों ने ली और उसके साथ साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने ली, राज्य की सरकारें भी ली और केंद्र सरकार का नेतृत्व, हमारा सौभाग्य कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य को उन्होंने सहयोग प्रदान करना शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से भी अनेक लोगों के खाते में व्यक्तिगत रूप से भी जो योजनाएं बनी थी उसके माध्यम से उनके खाते तक भी पैसे पहुंचे। यह हमारा सौभाग्य है। अगर आज की स्थिति में हम देखें माननीय सभापति महोदय, तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से जो स्थिति भारतवर्ष की है और साथ ही साथ यहां के रहन सहन, यहां के दिनचर्या और यहां के अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी हम अन्य देशों से इस महामारी को रोकने में बहुत सक्षम हुए हैं। ये हम सबका मिला जुला प्रयास है। अनेक प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों के लोग काम के खोज में जो निरंतर जाते रहे हैं, वहां बुरी तरह फंस गए और सभी माननीय सांसदों ने अपने संपर्क के माध्यम से, वहां के माननीय सांसदों से संपर्क करके, वहां के जिला प्रशासन से संपर्क करके
अपने क्षेत्र के लोगों को संरक्षण प्रदान किए हैं, ये भी एक सराहनीय कार्य माननीय सांसदों ने किया है। मैं उसके लिए सभी माननीय सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज ये बिल इसलिए आया है कि 7 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से एक अध्यादेश जारी हुआ और उस अध्यादेश के माध्यम से हम सभी माननीय सांसदों के वेतन की राशि से 30% कटौती कर इस अभियान के लिए लगे। और हम सबका मानना है माननीय सभापति महोदय कि सामूहिक सहयोग में और सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसीलिए तो मंदिरों में हवन पूजन सामूहिक रूप से की जाती है, मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़े जाते हैं, चर्चों में सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं होती है, गिरजाघर में सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं, इस तरह गुरुद्वारे में भी सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं और उसमें बड़ी ताकत है। और ये जो सामूहिक राशि आज हम सब सांसदों ने दी है माननीय सभापति महोदय, वो एक ताकत बनकर जिसकी उम्मीद हमारे क्षेत्र की जनता को थी कि सांसदगण अपना सहयोग दे रहे कि नहीं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि सराहनीय कार्य में मेरे क्षेत्र के जो लोग सहयोग किए, एक ऐसा 21 वर्षीय व्यक्ति जो भिलाई इस्पात संयंत्र से रिटायर अधिकारी, उन्होंने अपने जमा पूंजी से 5 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में प्रदान की है। इसी तरह एक विधवा बहन श्रीमती प्रभा यादव, वो अपने 3 साल की पेंशन की राशि, विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,111 रुपए की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में योगदान की है। और इसी तरह 2 ऐसे मासूम बच्चे 7 वर्षीय आदित्य यदु, माता प्रतिभा, पिता हितेंद्र यादव और उसी तरह कुमारी नव्या यादव 5.5 वर्षीय, पिता लोकेश और रश्मि यादव, इन दोनों ने अपने गुल्लक की राशि लगभग 8,600 की राशि प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में उन्होंने दी है। इतनी बड़ी बात अगर छोटे से बच्चे, एक बुजुर्ग और एक विधवा बहन कर सकती है तो हम सब का सौभाग्य है कि 30% की राशि अगर हम दे रहे हैं 1 साल के लिए तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब प्रदान करें, स्वेच्छा से प्रदान करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।